चलिए फिर दोस्तों चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस लगे हुए, अगर कोई आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भागना है नहीं तो ट्रेन अभी निकल जाएगी, इसी में चलते हैं ना, ये आ गई है ट्रेन। चलिए आप लोगों को बैक कमरे से दिखा देती हूँ। ओके बाय बाय। जल्दी 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 मम्मी नहीं नहीं रुके स्टेशन है। अभी मुझे ट्रेन फिर से मिल गई, हमने बड़ाला से फिर पकड़ लिया है। ये है बड़ाला स्टेशन। Thank you.
श्री राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और हमारे दर्शन भी अच्छे से होते हैं और ना साई बाबा की मूर्ति है और पीछे हमारे भोले बाबा की है छोटी सी है। और इस बार मुझे नहीं मौका मिला, मैं जाकर मंदिर जाऊँ दर्शन करूँ, तो आज मैं आ गई थी मंदिर, कुछ काम था, मैं आ गई हूँ सी एस टी दादर आई हूँ। दादर ये साई बाबा मंदिर और ये भोले बाबा मंदिर बने हुए जाता है, मैंने यहाँ पर दर्शन भी करने से दर्शन भी हो गए हैं आज, तो मैंने कहा फिर भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह से मुझे 7:30 बजे का मेरे बहुत ज़्यादा चलाने में जा रहा था, मतलब गाड़ी से ट्रेन से आए टैक्सी भी किया, पर जिस काम के आए हैं बहुत ही ज़्यादा थक गए और अभी बहुत काम लगती है पता चलेगी। तो मंदिर में शांति से बैठ गई हूँ, तो मैंने कहा पूरा छोटी सी क्लिप आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ से भी लगेगा, क्योंकि मैं जो दिन व्रत करने पर मैंने व्रत करने के बाद में बहुत लोगों ये साई बाबा और मेरे को बात करने का भी मन नहीं होगा, शुरू करना और चलिए वीडियो में और बहुत सी ढेर सारी बातें हैं। कुछ लोगों का कहना रहता है हमेशा मंदिर रहती कहाँ कहाँ मंदिर रहती है, हर जगह कब कहाँ कहाँ कब निकल जाती है, चलिए इसके बारे में बातें करें, पर ये वीडियो बनाना मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। मेरी ये प्यारी सी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, दोस्तों ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। दोस्तों एक बात बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोग जानना चाहेंगे जब आप लोग मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन फुल वॉच करते हैं या जो कोई मेरी वीडियो देख रहा है या देखेगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी फुल वॉच की गई है वीडियो, और मुझे भी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए लगता है मैं आज क्या डालूं, कुछ नया क्रिएट करके डालूं, कुछ नया आप लोगों के लिए करूं, आज मैं नया क्या लेके आने वाली हूं, कहां जाऊंगी, कैसी वीडियो बनाऊंगी, तो ये सब पूरा दिन का मेरा काम रहता है गाइस। तो आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों अभी बहुत ही त्यौहार आने वाला है, सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा आने वाला है गेस करिए बताइए आप लोग ज़रा। तो चलिए फिर आप लोगों ने गेस करके नहीं बताया, चलिए मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ, अभी गणपति का त्यौहार बहुत ही बड़ा आने वाला है, इसलिए आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए, मेरी वीडियो फुल वॉच किया करिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नहीं तो फिर वीडियो आप लोगों की कोई भी सब त्यौहार जितने त्यौहार अभी इस महीना आने वाले कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगी इसमें, क्यों नहीं अपलोड करूँगी, जब कोई वॉच नहीं करेगा देखेगा नहीं तो मैं वीडियो डाल के मेहनत क्यों ख़राब करूँगी, अभी मैं कुछ और काम करूँगी, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत काम है, मैं अपना कीमती समय निकाल के केवल आप लोगों के मनोरंजन के लिए इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती हूँ। और कुछ ऐसे मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं मुझसे जो मेरे से गाँव से रिलेटेड रखते हैं, वो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे पता है कौन कौन मेरी वीडियो मेरे गाँव से देखता है, उन लोगों को मैं थैंक यू सो मच बोलती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जितने लोग देखते हैं इसी तरह आप लोग फुल सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आपके गांव का आपके शहर का मैं नाम रोशन कर सकूं। थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे गाइस मैं आज घूमकर आ गई हूं, तो आने के बाद मुझे पता चला मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे है, तो मैं ये अच्छा सा मोमेंट, ये प्यारा सा मोमेंट कैसे मिस कर सकती थी, मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी नीचे जाने के लिए, फिर भी मैं रेडी हुई तैयार हुई और अपने दोस्तों के पास सबको मैंने फ़ोन किया और मेरे दोस्त लोग आ गए, केक ले लिया और उसको हम लोगों ने जाके सबने मिलके सरप्राइज़ दिया और इतनी मेरी दोस्त खुश हो गई, उसको ये दिन अपने पुराने दिन दोस्तों के साथ याद आ गए, ऐसा आज की दुनिया में कहाँ करते कोई दोस्त हुई, एक दोस्त ही ऐसा होता है कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केवल दोस्तों के अलावा किसको याद रहता है, फैमिली मेंबर को भी याद रहता है पर दोस्त भी एक दोस्त दूसरे दोस्त का इंतज़ार करते हैं, यार कोई तो आकर विश करेगा, कोई तो मेरा बर्थडे मनाएगा, तो इस बार हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स का बहुत ही धूमधाम से बहुत ही अच्छे तरीके से बर्थडे एक छोटा सा गेट टुगेदर टाइप का थोड़ा सा हम लोगों ने अरेंजमेंट किया और बहुत ही प्यारा सा बर्थडे मनाया। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बताइएगा मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे आप लोगों को कैसे लगा है, ये वीडियो हमारे पास जब मैं घूम कर आ गई हूँ तो ये शाम की क्लिप है, करीब ये 7:30 बजे रात की क्लिप्स है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा ये हमारे फ्रेंड्स का बर्थडे और हमारे सारे फ्रेंड्स कैसे लगे हैं। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, ये
बाय बाय।